जॉब लोडिंग जो है जो मतलब यह कि शेड्यूलिंग के अंदर हम जॉब लोड करते हैं ऑन डिफरेंट मशीन्स तो उस बेसिस के ऊपर ये एक्चुअली इट इज़ टू असाइन जॉब्स और जो कि हमारा कॉस्ट आइडल टाइम और कंप्लीशन जो टाइम है उसको मिनिमाइज करे ये इस तरह हमने जॉब असाइन करने होते हैं तो वो लोड करने हैं उसको हम कहते हैं दे आर टू फॉर्म्स एक है कैपेसिटी ओरिएंटेड इसके अंदर हम इनपुट आउटपुट कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर हम आ, ये जॉब लोड करते हैं द अदर वन इज़ असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब्स टू वर्क सेंटर्स और वो हम असाइनमेंट मेथड वग़ैरह यूज़ करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का उसके बेसिस के ऊपर हम उसको कर सकते हैं सो वी विल व्हाट वी विल डू इज़ वी विल यूज़ असाइनमेंट मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग और वो देखेंगे कि वो हम किस तरह उसको हमने लोड uh, करना है जॉब असाइन करना है इट इज़ अर स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल और उसके अंदर uh, हमने असाइन करना होता है जितने हमारे टास्क हैं उतने ही हमारे रिसोर्स uh, हैं और उसके बेसिस के ऊपर हमने असाइन करना होता है और ऑब्जेक्टिव uh, हमारा ये होता है कि हमने कॉस्ट को आ, या टाइम को क्योंकि अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम इनको मिनिमाइज करना है आ, इसके अंदर एक जॉब एक रिसोर्स को असाइन होगा बेसिकली इसका क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है उसके अंदर कॉस्ट टेबल हमने डेवलप करना होता है और इसके बेसिस के ऊपर फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है इसमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम इज जॉब्स आर थर्टी फोर एस सिक्सटी सिक्स टी फिफ्टी तीन जॉब्स हैं एंड देर आर थ्री रिसोर्स ए बी सी अब ये डिफरेंट जॉब्स डिफरेंट रिसोर्स काम करेंगे तो उनकी डिफरेंट कॉस्ट वो हमने टेबल बनाया हुआ है कि आर थर्टी फोर अगर ए रिसोर्स के पास जाती है तो एलेवन डॉलर कॉस्ट पड़ेगी बी के पास फोटीन डॉलर्स पड़ेगी और सी के पास सिक्स डॉलर्स पड़ेगी इसी तरह एस सिक्सटी सिक्स ए के पास एट डॉलर्स बी के पास टेन डॉलर्स एंड सी के पास एलेवन डॉलर्स तो ये हमने एक आ, टेबल बनाना होता है जो कि कॉस्ट या टाइम डिपेंड करता है हम किस चीज़ को मिनिमाइज कर रहे हैं वो पर्टिकुलर असाइनमेंट और रिसोर्सेज के साथ वो उसके साथ हमने एसोशिएट किया होता है और इसके बेसिस के ऊपर हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमने क्या कौन सा जॉब किस रिसोर्स को असाइन करना है अब ये असाइनमेंट मेथड क्या है बेसिकली कि हम जो हमारे पास मैट्रिक्स बना हुआ है या टेबल बना हुआ है उसके अंदर स्टेप वन इज़ कि हमने रोज में ईच रो में हमने देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस रो के जितने भी उसमें वैल्यूज हैं उसमें से ये स्मॉलेस्ट नंबर को हम माइनस कर देंगे सो दैट स्मॉलेस्ट नंबर की जगह जीरो आ जाएगा और बाकी उससे माइनस हो जाएंगे तो ये हमने हर रो में ये परफॉर्म करना होता है वंस वी हैव डन दैट देन व्हाट वी डू इज के वी गो कॉलम वाइज और हम देखते हैं कि जो जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है अगेन वी विल रिपीट बट नाउ इन uh, कॉलम्स के कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी नंबरों में से तो तीन अगर कॉलम्स हैं तो तीन कॉलम्स के नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं अच्छा इसके अंदर फिर हम करते हैं कि इसके देखते हैं कि जीरोस कहाँ फॉल कर रहे हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर जब आप सब्ट्रैक्ट uh, होगा अपने में से तो वो जीरो उधर आ जाएगा तो वॉट वी डू इज वी कंस्ट्रक्ट वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन्स ठीक है जो के इन जीरोज़ को कवर करेंगे रो वाइज एंड कॉलम वाइज और हम हमारी कोशिश ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से हम सारे जीरोज को कवर कर लें अब हमने ये देखना होता है कि जो अगर तो जो ये लाइन्स कवर कर रही हैं वो एग्जैक्टली exactly उतनी हैं जितनी या तो रोज हैं या कॉलम्स हैं लेट से थ्री रोज हैं थ्री कॉलम्स हैं तो तीन लाइन मिनिमम रिक्वायर्ड हो रही हैं इन जीरोज़ को कवर करने के लिए तो देन वी हैव रीच्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अगर उससे कम है तो देन व्हाट वी डू इज वी गो टू स्टेप नंबर थ्री जहां हम जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके अलावा जो भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं उसमें से अब मिनिमम जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी अनकवर्ड नंबरों में से और जो इंटरसेक्शन जो लाइन का बन रहा है जो भी इंटरसेक्शन आ रहा है उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा ये अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो वो सारे क्लियर होगा कि ये किस तरह इसको हैंडल करते हैं और एंड के अंदर व्हाट वी विल डू इज के ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइन्स कवर कर रही हैं इन ज़ीरोज़ को तो वो जो ज़ीरोज़ हैं जहाँ फॉल कर रहे हैं आ, वो लोकेशन जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ आर ऑप्टिमम सोलूशन और फिर हम उसके जो वो है असाइन करेंगे टास्क द रिसोर्स अकॉर्डिंगली और ये हम सारे उसके अंदर जब तक सारे टास्क असाइन नहीं कर देते ये हमारा आ, ये जो मेथड है ये उस तरह जाकर कंप्लीट हो जाएगा